किसी बात को विवाद कैसे बनाया जाए, ये तो आप हर दूसरे दिन देख ही रहे हैं, चाहे वो सोनू निगम के खिलाफ मौलवी का फतवा जारी करना हो या कुछ दिन पहले 46 फतवों से 16 साल की बच्ची नाहिद आफरीन को निशाना बनाना हो या सानिया मिर्जा के पहनावे पर फतवा जारी करना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन तय करेगा इन फतवों के सही या गलत होने को, किसने हक दिया है किसी की आजादी पर फतवे जैसी बेड़ियां लगाई जाएं। पहले बात करते हैं 16 साल की नाहिद आफरीन की। इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर इस मासूम सी बच्ची के खिलाफ 46 फतवे जारी कर दिए गए। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये अच्छा गाना गाती है। नाहिद की आवाज को पूरे देश ने सराहा, लेकिन अपनी इस कला से आगे बढ़ने वाली नाहिद को मौलवियों ने नकार दिया। तो वहीं देश की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी मौलवी के निशाने पर आई। सानिया मिर्जा को उनकी ड्रेस को लेकर बार बार इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर लिया गया। बुर्का ना पहनने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। फतवे में मौलवी साजिद रशीद ने सानिया मिर्जा की ड्रेस पर आपत्ति जताई, साथ ही कहा कि जो बुर्का नहीं पहनते वो ना खेले। वही ये जनाब सैयद शाह कादरी फतवा जारी कर कहते हैं कि सोनू निगम को गंजा करने वाले को 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या अब मौलवी तय करेंगे कि कौन हिजाब पहने या नहीं, कौन फिल्मों में काम करे या नहीं? समझ से परे है, पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों पर। NMF न्यूज की रिपोर्ट।